हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हनीकांत सीरत के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वो दोनों आते हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, हाथों में हाथ डाल के नीचे से सब उनको देख रहे होते हैं। वो काफ़ी क्यूट कपल लग रहे होते हैं, कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर टाइप्स, ऐसे लग रहे होते हैं। उन्हें देख के सबको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सीरत की मोम की तो आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि काश इनके फादर यहाँ होते, दोनों के कितना अच्छा लगता। तभी शिखा आंटी के पास जाती है और कहती है आंटी सब ठीक हो जाएगा, अंकल भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए, इतनी परेशान मत होइए, चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आंटी हंसने लगती हैं, कहती हैं बच्चे समझदार हो गए हैं हमारे यहाँ। तो कहती है ऑब्वियसली आंटी होंगे ही समझदार, शादी कर चुके हैं। और ऐसा कहते हैं ना, शादी समझदार इंसानों की होती है। तो आंटी हंसने लगती है, कहती है व्यंग था। तो शिखा कहती है ऑब्वियसली व्यंग ही था, क्योंकि इंसान अगर समझदार हो तो शादी करे ही ना। तभी अंजलि पीछे खड़ी होती है, वो शिखा के सर पे मारती है, कहती है अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, आना मेरे पास बताती हूँ तुम्हें। शिखा कहती है अरे वो मतलब नहीं था मेरा, बात तो सुनो, तुम गलत ले रही हो। अंजलि बोलती है अपने नौटंकी बाद में, पहले देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो शिखा बोलती है हम दोनों क्या कम क्यूट लगते हैं, हम भी तो लगते हैं ना मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। हाँ अंजलि कहती है ये मस्का मुझे ना लगाओ, ठीक है, इंसान समझदार हो तो शादी ही ना करे, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा, आपके लिए तो सब बर्बादी हो गई है कि नहीं, इट्स कॉल्ड बर्बाद। दोनों नीचे आते हैं, निकल जाके सीरत की मोम अपनी सास के पैर छूते हैं। तो आंटी उसको गले से लगाते हैं, कहती है ये क्या पैर क्या छू रहे हो। तो निका कहती है आप मोमो मेरी सासुरानी हो। तो कहती है अच्छा, तो अब मुझे सास का दर्जा दे ही दिया गया है। हाँ मैं तो तुम्हारी माँ बन के रहना चाह रही थी लेकिन तुमने मुझे सास बना दिया। हाँ अरे यार जैक। तो निका कहती है नहीं आप मेरी मोम हो और हमेशा ऐसे ही रहोगी। तो सीरत की मोम कहती है तो फिर ये पैर छूना अपनी मोम के भी छूती थी वहाँ पे क्या, बताओ। तो अनिका उन्हें अक्कल लेती है जोर से और कहती है सो लकी मुझे आप मिले हो, आप जैसी सास अगर दुनिया की हर लड़की को मिलने लगे और आप जैसी माँ हर बच्चे को मिलने लगे ना, तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसी माँ मिली है। तो कहते हैं वो बस ठीक है, और इतना लेट कैसे हो गया। तो अनिका ऐसे सर नीचे कर लेती है अपना, वो कुछ नहीं बोलती। तो सीरत कहती है मॉम ब्रेकफास्ट करें, भूख लग रही है बहुत तेज। उनकी मम कहती है कि हाँ अच्छा भूख लग रही है तुम्हें, मुझे लगा कि आज भूख लगेगी ही नहीं। मुझे तो लगा क्या करना है आज, तो ऐसे ही बीतेगी तुम्हारे पूरे दिन पूरी रात सब ऐसे ही कटने वाली है बिना खाए पिए। हाँ तो सीरत चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती ज़्यादा, एकदम शांत रहती है और कहती है कि मॉम दीजिए ना प्लीज।
वो कहती हैं कि अच्छा तो दूं खाना तुम्हें, खाना खाना है? तो सीरत कहती है मॉम प्लीज़। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये कह के वो किचन में चली जाती हैं। पीछे से अनिका भी जाने लगती है तो आंटी उसे रोक देती हैं, कहती हैं अभी नहीं, तुम ऐसे किचन में नहीं जाओगी और इस घर का कोई भी काम नहीं करोगी, ठीक है? तो अनिका कहती है बट क्यों मॉम, मैं पहले भी तो करती थी ना, तो अभी क्या दिक्कत है, करने दीजिए ना। तो कहती है बोल दिया ना नहीं तो नहीं, बात जा करो। तो कहती है बट, तो शिखा बोलती है भाभी थोड़े दिन ऐश कर लीजिए, उसके बाद आप ही को करना है और कोई करेगा नहीं। वो कुछ रसोई की, वो किचन की कोई पूजा वूजा करेंगे मॉम, उसके बाद सब आपको करना है और कोई यहाँ नहीं करने आने वाला, तो आप इतने टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ठीक है ना? तो कहती है ओके। तो अनिका आती है डाइनिंग टेबल पे, अनिका बहुत खूबसूरत लग रही होती है बहुत ही ज्यादा। तो आंटी अंदर से, शिखा भी चली जाती है अंदर, सीरत भी आके जैसे बैठने वाली होती है तभी आंटी कहती है ओ मेम साहब, सीरत को, सीरत कहती है कि हाँ मम्मी। तो कहती है ओहो आज मम्मी बुलाया जा रहा है, क्या बात है, नॉट बैड। तो सीरत एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ जो है कहती है जी बताइए। तो कहती हैं कि तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है? तो कहती है हाँ ना आप ला तो रहे हो। तो कहती है मैं नहीं ला रही हूँ, जाओ और लेके आओ अपने आप। वो नहीं कर रही है, तुम तो कर ही सकती हो ना, चलो हेल्प करो। तो सीरत कहती है मैं और किचन का काम। अच्छा मजाक है, बहुत अच्छा मजाक है मॉम। तो कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? उठो और जाके लेके आओ, दिमाग ज्यादा ना खाओ मेरा ना, ठीक नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो सीरत कहती है मॉम अनिका के साथ। तो कहती है हाँ तो अनिका के सामने, अनिका क्या यहाँ पहली बार रहने आई है बताओ? अनिका यहाँ क्या पहली बार रहने आई है? नहीं ना, उठ जाओ किचन में जाओ, चलो बहुत हो गया। कहती है मॉम प्लीज ना, पहले तो आप कभी नहीं कराती थी, अब ये सडन आपको क्या भूत चढ़ा है कि मैं काम करूं, ये कहाँ का वो है, हद नहीं हो रही है मॉम, ये मैं नहीं कर रही कुछ भी। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं कर रही तुम कुछ भी? कहते हैं नहीं। कहते हैं ठीक है फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो कहती है मॉम यार ये क्या बात होती है, ये आपकी अच्छी जिद है? तो कहती है हाँ ये मेरी अच्छी जिद है, ठीक है? कहती ठीक है मॉम मत दीजिएगा, लेकिन मैं किचन में जाके कुछ नहीं लाने वाली, मुझे कुछ नहीं आता करना। कहती है सामान ला के खाली डाइनिंग टेबल पे रखना है। अब सीरत कहती है यार वो उठना नहीं चाह रही होती, क्योंकि वो अनिका का हाथ पकड़ के बैठी होती है डाइनिंग टेबल के नीचे। हाय वो मोमेंट, वो अनिका को बार बार छेड़ना, उसका हाथ पकड़ना, तो उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता कि वो वहां से उठ के जाए। खैर अब आंटी का हुक्म था तो उसे उठना था, तो उठने वाली होती है तभी अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सीरत कहती है छोड़ो यार जाने दो। तो अनिका कहती है हाय मैं तो कब से कह रही थी ना जाओ जाओ, तब से तो आप उठ ही नहीं रहे थे, अब क्या हो गया, अब बैठो। सीरत कहती है यार मेरा खुद उठने का मन है, मैं क्या करूँ, जाना पड़ेगा ना, अच्छा छोड़ो आज छोड़ो जाने दो। तो कहती है कि आंटी तब तक उन्हें फिर से डांटती है, कहती है सुनाई नहीं दे रहा है क्या एक बार में?
थप्पड़ खाओगी तब सुनाई देगा तुमको, उठ जाओ फटाफट। तो अनिका फिर हाथ छोड़ देती है, लगता है यार क्या पहले दिन ही डांट पड़ेगी बेवजह। तो सीरत उठती है, जाती है किचन में से, शिखा सीरत दोनों जाती हैं और अंजलि और वो बैठे होते हैं आराम से डाइनिंग टेबल पे। आज तो सब उन्हीं की बैंड बजी होती है दोनों की, दोनों ला ला के अपना रखते हैं चीजें आराम से। और ठीक है वो सोचने लगती है कि यार क्या किया जाए। लाते हैं, रखते हैं, सब लोग बैठते हैं, सीरत आके फिर से अनिका के पास ही बैठती है बिल्कुल। तो सीरत पहला बाइट उठाती है और वो अनिका को खिलाने लगती है, तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहती है क्या बात है। अंजलि बोलती है इश्क का रंग तो बहुत अच्छे से चढ़ा है। तो अनिका एकदम शर्मा जाती है, सर नीचे कर लेती है अपना, कुछ नहीं बोलती, एक भी वर्ड नहीं बोलती। तो आंटी हंस पड़ती है, कहते हैं क्यों छेड़ रहे हो भाई तुम दोनों उसको, हैं खाने दो, खिलाओ खिलाओ सीरत खिलाओ, बच्ची है ना वो खा नहीं पाएगी अपने हाथ से। सही है सही है, खिलाओ, उसने आज से पहले तो यहाँ बैठ के कभी डिनर किया ही नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट किया ही नहीं हमारे साथ, है ना। सही है सही जा रहा है सब सब उनको ऐसे करने लगते हैं। तो अनिका कुछ बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो सीरत कहती है एक बात बताओ अनिका। तो अनिका बोलती है हाँ, कहती है ऐसा क्या हुआ है, इतना क्यों शर्मा रही हो, तुम इस घर में पहले भी रह चुकी हो ना मेरे साथ यहाँ पे, मॉम के साथ, श्रीखा अंजलि यही लोग हैं ना सब, तो इतना क्या शर्मा रही हो तुम, और रिहाना का अभी तक आई क्यों नहीं। तो कहती है वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते क्या हुआ, तो उसकी मॉम बोलते हैं बस उसके सर में दर्द है, सो रही है, उसका ब्रेकफास्ट रूम में ही भिजवा दिया है। तो सीरत बोलती है ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या है अनिका, तुम बताओ तुम क्यों इतना शर्मा रही हो। तो अनिका कुछ नहीं बोलती है, वो चुप हो जाती है। सीरत उसे बार बार छेड़ने लगती है, कहती है क्या हुआ बताओ। तो शिखा बोलती है ओए होए भाभी तो शायद आज कुछ बोलेंगे ही नहीं, भाभी के रुखसार पे जो लाली आई है ना, ओए हाय इस रात का हाल बयान कर रही है। हाँ ये रात का हाल बयान हो रहा है या सुबह सुबह का, क्या क्या मतलब। तो आंटी कहती है बेशरम हो चुके हो तुम लोग और कुछ नहीं, यहाँ मैं बैठी हूँ ना। तो शिखा बोलते हैं आंटी इट्स योर फॉल्ट, जब हम चार जवान लोग यहाँ बैठे हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हो। हाँ तो आंटी कहती है अभी बताती हूँ तुम्हें रुको तुम। तो शिखा कहते हैं सॉरी सॉरी मजाक कर रही थी आंटी, आप तो सीरियस हो जाते हो यार, सीरियसली मजाक कर रही थी मैं। तो आंटी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करती हैं और कहती हैं करो तुम लोगों को जो करना है, मेरे को थोड़ा बाहर काम है, मैं बाहर जाके अभी आती हूँ ठीक है। और अनिका तुम थोड़ा रेडी हो जाना, आज रात को आज शाम को तुम्हारा मुंह दिखाई का फंक्शन है। तो कहती हैं कि मुंह दिखाई कि हाँ। तो सीरत कहती है कि मॉम ये सब किस लिए, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है। तो रहने दीजिए ये सब। तो कहती है अच्छा तुम मुझे बताओगे कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, सीरियसली। कहती है मॉम मेरा वो मतलब नहीं था, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि वो परेशान हो जाएगी बेवजह, क्या ये सब करने की क्या ज़रूरत है। कहती है जितना बोला है बस उतना सुन लो ठीक है, मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, जितना कह रही हूँ
उतना सुनो। तो सीरत कुछ नहीं कहती, सीरत कह बस सीरत इतना ही कहती है, लेकिन फिर वही बवाल, वही सब कुछ। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुम लोगों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मिलना चाहते हैं, तो अब तुम ही बता दो मुझे मिलवाना चाहिए या नहीं। कहती है मॉम मेरा वो मतलब नहीं था। तो कुछ फैसले मैं ले लूं अगर? तो निका कहती है कि सॉरी मॉम, आपको बुरा ले, सॉरी, आप रखिए कोई भी फंक्शन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंटी बोलते हैं पता है मुझे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब वाइफ हो तुम उसकी, तो तुम्हारे लिए कोई भी फैसला मुझे उससे पूछ के ही लेना पड़ेगा ना। तो सीरत कहती है कि ऐसा नहीं है मॉम, आप बात को गलत तरीके से लेके जा रही हो, बस और कुछ भी नहीं है। तो माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है। तो निका कहती है मॉम पता तो है ना आपको कि वो ऐसे ही आपको परेशान करते रहते हैं और कुछ नहीं। और ये किसने कह दिया कि मेरे कोई भी फैसला करने से पहले आपको इनसे पूछना पड़ेगा, इनसे पहले मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए कोई भी फैसला आप कर सकते हो, ठीक? तो आज तो आपने ये बोल दिया, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलिएगा, इट्स रियली रियली हर्टिंग। तो आंटी कहते हैं कि आई नो, बट बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ उनके हिसाब से करनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। तो कहते हैं मॉम आप सीरियसली बात को गलत तरीके से। तो निका कहते हैं चुप हो जाओगे, हर बात पे बहस करना ज़रूरी है? मॉम आप फंक्शन कितने बजे से है आप बता दीजिएगा, हम सब रेडी हो जाएंगे, ठीक है मॉम? तो आंटी बोलते हैं ठीक है। और अनिका आंटी को जोर से हक करती हैं, कहती है मॉम आई सीरियसली लव यू, आप कभी मत नाराज होना, बाकी सब बर्दाश्त है। तो आंटी उसके फॉरहेड पे किस करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं अनिका सीरत की तरफ पलटती है और कहती है क्या हो गया है आपको, किस तरह से बात कर रहे थे? सीरत कहती क्या मतलब किस तरीके से, क्या फंक्शन मोदी खाई का, क्या फंक्शन, हम क्या स्ट्रेट शादी करके आ रहे हैं? फिर चार लोग इकट्ठा होंगे, चार तरह की बातें होंगी। शिखा कहती है यार सीरत तुम्हारी बात ठीक है, बट आंटी के फ्रेंड्स हैं, अब वो देखना चाह रहे होंगे, और इस दुनिया में अब तो जग जाहिर हो ही चुका है कि तुम दोनों ने शादी कर ही रखी है, और किस तरह से हुई है सबको पता है। तो इसमें आप कोई क्या कहेगा, अब सबको जब पता है, रिश्तेदारों में पता है, फ्रेंड्स में पता है, तो आंटी एक छोटा सा फंक्शन रख भी रही हैं, तो इसमें क्या हो गया? हर रिचुअल तो हुआ ही है ना, तो इसमें क्यों इतना भड़क रही हो बेवजह? तो इनका कहती है इनका ना दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं, हर वक्त पता नहीं क्या दिमाग पे गुस्सा छाया रहता है, क्या हो गया है आपको? सीरत कहती है मेरे दिमाग पर गुस्सा छाया रहता है, सीरियसली अनिका? सच में मेरे दिमाग पर गुस्सा छाया रहता है। फाइन ठीक है, आज के बाद ना मुझे कुछ कहना ही नहीं है, एक वर्ड नहीं बोलना मुझे इस बारे में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मेरे मुंह से अगर कभी कुछ सुन लो ना तो बता देना, जो मर्जी करो। तो निका कहती है आप फिर गुस्सा हो रहे हो, ऐसा भी क्या कह दिया था मॉम ने? कहती है यार अभी नहीं समझ में आ रहा ना, बाद में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आया? अभी करो तुम लोगों को जो करना है, ठीक करो, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, करो। तो जो है वो कहती है अरे बाबा हो क्या गया है, इस तरह से क्यों रिएक्शन आ रहा है, कुछ हुआ है क्या, क्या किस बात का डर लग रहा है तुमको, क्या हुआ है बताओ? तो सीरत कहती कोई डर नहीं लग रहा मुझे,
तुम लोग चीजें नहीं समझ रहे हो। चार लोग यहाँ आएंगे, चार तरह की बातें होंगी, पिछली बातें उठेंगी, पिछली बातों को दोहराया जाएगा, लेकिन तुम लोगों को वो सुनना नहीं है, समझना नहीं है, सब कुछ अपने हिसाब से करना है। तो शौक से करो, बिल्कुल शौक से करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं आ रहा आप कुछ मना करने के लिए। और तुम्हारी तो आदत है ना निका शुरू से मेरे अगेंस्ट में खड़ा होने की, है ना, तो खड़े रहो। तो निका कहती है, क्या यार जीरत, सीरियसली आपको आज के दिन भी लड़ना है? नहीं, क्या चाहते हो कि मॉम, अब तो आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे मॉम के सामने, क्या चाहते हो कि मॉम कल को ये कह दे मेरे आते ही आप बदल गए, आप उनके रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? सीरत कहती, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये जब से शादी हुई है ये आप क्या है, एक तो इतना तुम शर्मा रही हो, ऊपर से ये आप, ये चल क्या रहा है भाई, शादी हुई है या हमारा रिश्ता बदला है, ये बताओ। तो इनका कहती है, यार शिखा तुम ही समझो, क्या करूं इस इंसान का। तो शिखा हंसने लगती है, तो सीरत उसकी तरफ देखते, कहते तुझे हंसी आ रही है सच में? तो शिखा कहती, अब तू ज्यादा सोच रही है यार, मैं क्या ही करूं। और देख, ये तो मुझे भी नहीं पता शादी के बाद क्या हो जाता है, लेकिन अपनी बीवियों से रिस्पेक्ट अगर मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इन जनरल ये होता नहीं है, और ये रिस्पेक्ट कुछ टाइम की होती है। खैर ये सब छोड़ो। तो निका उस शिखा को ऐसे गुस्से से देखती है, तो शिखा कहती है, भाभी ये तो बताओ रात को क्या हुआ? हाँ, तो अनिका कहती है कि क्या हुआ का क्या मतलब है, क्या हुआ? हाँ अच्छा, कहती है, अच्छा रात नहीं तो दिन का बता दो, क्या हो गया, कुछ तो बता दो, रात का बता दो प्लीज। तो अनिका कहती है, क्या बेशर्मी है, क्या बता दूँ? तो शिखा ऐसे सामने आती है धीरे से और भोजपुरी गाना गाती है, कहती है, रत दिया बुता के पिया का किया। तो जो है अनिका कहती है, बेशर्म, कसम से बेशर्म इंसान, कहती है अच्छा बताओ ना। अंजलि भी छेड़ने लगती है, तो सीरत ऐसे जाके चुपचाप सोफे पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब अनिका क्या कहेगी, क्योंकि दोनों तो उसी को छेड़ रहे होते हैं अनिका कोई। तो अनिका कहती है, कुछ नहीं, बिस्तर छोड़ के सो गया, चादर ओढ़ के सो गया, बिस्तर ओढ़ के सो गया, चादर ओढ़ के सो गया, हाय हाय भरी जवानी में मेरा साजन बुढ़ा हो गया, हाय हाय भरी जवानी में मेरा बालम बुढ़ा हो गया। सीरत ऐसा घूर के अनिका की तरफ देखती है, कहती, और अनिका उसको देख के हंस पड़ती है। सीरत वहां से गुस्से से उठती है और कहती है, मैं जा रही हूँ बाहर। तो अनिका कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही, इधर तो आओ प्लीज। तो शिखा और अंजलि ऐसे साइड हो जाते हैं, कहते हैं, आप देखो अब आएगा मजा, सीरत चिढ़ गई है। तो अंजलि कहती, किस बात पे? कहती, अरे भाभी ने जो बुढ़ा बुला दिया है, अब आएगा मजा। तो अंजलि कहती, सीरियसली इतनी सी बात पे? तो कहती, हाँ अभी देखो। तो अनिका से पीछे से जाके और उसे कमर से पकड़ती है सीरत को, कहती है, कहाँ यार, क्यों गुस्सा हो रहे जरा सी बात पे? हाँ क्या कह दिया, मस्ती मजाक चल रहा था। तो सीरत कहती, नहीं नहीं ठीक है बहुत अच्छा किया तुमने, चादर ओढ़ के सो गया, बिस्तर छोड़ के सो गया ना, ठीक है बेटा ठीक है, अब हटो मुझे जाने दो। तो कहती, अच्छा रूम में तो चलो फिर मैं बताऊँ ना, चलो तो सही। तो सीरत कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं। कहती, चलो ना प्लीज, अच्छा चलो एक किस दूंगी तुम्हें, चलो तो सही। तो सीरत कहती है, नहीं जाना तो नहीं जाना, बात खत्म। तो अनिका ऐसा सीरत के सामने आती है, उसके गले में अपनी बाहें डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती और कहती है, सीरियसली नहीं जाना? हाँ अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के बाहर जाना है? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा हाथ पकड़ा जा रहा था, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। हाँ या अब कुछ
करने का मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं है। तो सिरत कहती है हिम्मत हाँ नहीं है, जाओ। ये कह के कहती है मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और ये कह के वो साइड हो जाती है। तो अनिका फिर उसे छेड़ देती है, उसे उसे छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा होता है। कहती है मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ हाँ बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो सीरत को और गुस्सा आता है, कहती है अच्छा ठीक है मैं बुढ़ा ना, आना अब मेरे पास बताती हूँ तुम्हें। अरे कह के वो बाहर जाने लगती है। तब तक अनिका कहती है सीरियसली जाना है ना, जाओ तुम। तो सीरत जैसे बाहर जाके गार्डन में बैठ जाती है, अनिका पीछे से हंसने लगती है। शिका कहती है कि क्या भाभी आप भी आज के दिन उसको इतना परेशान कर दिया। हाँ तो कहती है तो किसे परेशान करूं, तुम्हें करूं बताओ, तुम्हें तो ऑलरेडी अंजलि करती रहती है। कहती नहीं भाभी मुझे बख्श दो, ये कह के वो भी सीरत के पीछे भागती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, इनका ये जो फंक्शन रखा गया है ये सही सलामत निपटता है या कुछ और होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।